हम नवरात्रि के पर्व पर हर रोज अलग अलग मंदिरों से आपको दर्शन कराते हैं। इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, लखन भांडे मंडला से, जीवानंद हलदर जगदलपुर से, राजीव मिश्रा दतिया से, इसके अलावा प्रेम सोमवंशी कोटा से। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं मंडला का और चलते हैं हमारे साथी के पास, लखन भांडे के पास। किस तरीके की तस्वीर देख पा रहे हैं आप, किस मंदिर में खड़े हुए हैं, भक्तों में किस तरीके का उत्साह आज नजर आ रहा है? हेलो, मैं बताना चाहूँगा, हम मंडला के उदय चौक मंदिर में खड़े हैं। लगभग ये 50 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पर आज शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है और यहाँ पर हवन पूजा हो रही है। हम यहाँ पर दुर्गा मंदिर के जो पुजारी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि मंदिर की क्या प्रसिद्धि है और मंदिर लगभग कितना साल पुराना है। इस आगे आप क्या अपना नाम बताइए? शिवरतन मिश्रा। ये मंदिर मंदिर कितने साल पुराना है और मंदिर में किस टाइम कैसे प्रसिद्धि है? मंदिर की स्थापना सन 1997 में हुई है। उसके पहले क्या है, यहाँ पे 10 दिन दशहरे के समय मूर्ति जमती थी, लेकिन एक बार ऐसी मूर्ति जम गई कि उनका चेहरा बहुत ही मनमोहक था। जब विसर्जन के दिन आया तो किसी भी सदस्य की उनकी विसर्जन करने की इच्छा नहीं हुई, सभी बोलने लगे विसर्जन नहीं करेंगे, बहुत मोहक छवि है। तो फिर समिति द्वारा ये निर्णय लिया गया कि बिल्कुल ऐसी ही सेम मनमोहक मूर्ति बना के स्थापित की जाएगी। उस स्तर पर विसर्जन किया गया। उस साल जब विसर्जन किए तो 1997 फिर जयपुर से ये मूर्ति हम लोगों ने बनवा के फिर 1997 में यहाँ स्थापना हुई, तब से ये मूर्ति यथावत जमी हुई और हम लोग पूजन पाठ करते हैं। प्रसिद्ध मंदिर है, मंडला के सभी भक्तगण आते हैं, मनोकामना लोगों की पूरी होती है। लगभग कितने भक्त आते हैं? भक्तों की संख्या नहीं बोल सकते, सैकड़ों हजारों में आते हैं, भक्तों में कोई संख्या नहीं है जी। तो मैं बताना चाहूँगा, ये मंदिर लगभग 50 साल पुराना है, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में रोज भक्त आते हैं और अपना दर्शन लाभ करके पुण्य कमाते हैं। चलिए रुक कर लेते हैं जगदलपुर का, जहाँ पर हमारे साथी जीवानंद हलदर बने हुए। जीवानंद, आज माँ गौरी की पूजा की जा रही है, नवरात्रि का दिन का 8वां दिन है, क्या कुछ खास दिखाई दे रहा है जगदलपुर में? देखिए, ओम मंगले मंगल शिव सर्वत्र साधिके नारायणी नमस्ते जैसे मंत्र उच्चारण के साथ सभी मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है, की जा रही है। और सबसे पहली बात बता दूं कि आज नवरात्र के 8वां दिन है, आज माता जो महागौरी के रूप में भक्त जनों को दर्शन देंगे। लेकिन इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, यह रियासत कालीन मंदिर है और माता आदि बस्तर के जो आदि शक्ति दंतेश्वरी मंदिर में मैं मौजूद हूँ। और आपको बताना चाहूंगा, आज सुबह से ही जो भक्तों का जो तांता लगी हुई है माता के दर्शन के लिए, सबसे पहले आपको दिखाऊंगा ये जो भक्ति और आस्था का सैलाब आप देख सकते हैं कि लोग सुबह करीबन 5 बजे से इस कतार में खड़े हुए हैं या और माता के दर्शन के लिए, क्योंकि आज महाअष्टमी पर्व है। आज माता के अगर पूजा अर्चना की जाती है तो मान्यता है कि लोगों को जो मन वंचित जो फल है वो मिलता है। आप इस सैलाब को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए किस तरह इंतजार, अपने बारी के इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले कुछ श्रद्धालु उनसे जानने से करके बताए, जय माता दी, जय माता दी। आज मंदिर महाअष्टमी माँ का दर्शन करने पहुँचे हैं, कैसे? बहुत अच्छा लग रहा है माता जी का दर्शन करके। ये बताइए, आप लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, आपको ऐसी नहीं लग रहा कि इतना समय खड़ा होना बेकार है माँ का? नहीं, नहीं, काहे बेकार लगेगा, माता का दर्शन के लिए फल मिलेगा, हमको अच्छा लग रहा है। ये तो आस्था है। हाँ, आस्था है। क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे सर? हम आस्था है, आस्था है, तभी तो है सर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये बस्तर के आदि शक्ति आराध्य देवी माता दंतेश्वरी जी के मंदिर है और इस मंदिर में आस्था और जो भक्ति का जो सैलाब आपको नजर आ रहा होगा कि सुबह से जो श्रद्धालु है माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बताया जाता कि जय माता दी के जो नारों से पूरा आसमान गूंज रहा है और सभी भक्तों जनों जो है माता के दर्शन के लिए पहुंचे। बताया जाता आज महाअष्टमी का दिन है, आज महाअष्टमी के दिन में माता को विशेष श्रृंगार के साथ आज हवन पूजन भी की जाएगी और यहाँ ये जो मंदिर है मंदिर में हवन के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहना चाहूंगा कि आप इस मंदिर में, आज अष्टमी के दिन है और इस मंदिर में जो आदि शक्ति माता दंतेश्वरी जी विराजमान है उनका दर्शन सभी INS 24 के जो लोग हैं उन्हें कराने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं अपार भीड़ है, अपार श्रद्धालु है और इस श्रद्धालु सुबह 5 बजे से ही इस मंदिर के जो सामने कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं माता की एक झलक पाने के लिए। हालांकि
ये श्रद्धा और भक्ति का आस्था का एक सैलाव कहा जाएगा, क्योंकि ये नवरात्रि के जो पूजा होती है, इस नवरात्रि के दरमियान माता नौ अलग अलग स्वरूप में जो भक्तजनों को दर्शन देती है। लेकिन आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज माता गौरी रूप में सभी भक्तजनों को। जी हमारे साथ मंदसौर से हमारे साथी कमलेश मोदी भी जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं दतिया का, जहां हमारे संवाददाता राजीव मिश्रा बने हुए हैं। राजीव, आस्था का सैलाब, नवरात्रि का आज आठवां दिन है, दुर्गा अष्टमी है, किस तरीके से भक्तों में आज उत्साह देखने को मिल रहा है? देवी महागौरी का दिन है और महागौरी की उपासना करने के लिए सुबह 4 बजे से ही भक्तों का यहाँ तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में देवी दरबार में माता के भक्त पहुंच रहे हैं और सुबह से ही जलाभिषेक कर महागौरी को हलवा पूरी का प्रसाद लगाकर उन्हें पूज रहे हैं। आप सीधी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सुबह 4 बजे से ही ये लगातार कतारें लगी हुई है और देवी माता के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। हम आपको दर्शन करवाने का प्रयास भी करेंगे और देवी माँ विजय काली के आपको दर्शन कराएंगे। बड़ी संख्या में लगातार यहाँ भक्त पहुंच रहे हैं, कतारें टूटने का नाम नहीं ले रहे हैं। देवी विजय काली को यहाँ कुल देवी भी माना जाता है। वो अष्टमी और नवमी के दिन यहाँ काफी कार्यक्रम आयोजित होते हैं, यहाँ कन्या पूजन भी किया जाता है, वो कन्याओं को पूजन कर यहाँ उन्हें प्रसाद का ग्रहण। हमारे साथ मंदिर के पुजारी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे माता विजय काली की क्या महिमा है, क्या महत्व है। जी, आज महागौरी का दिन है और माता विजय काली के दरबार में काफी श्रद्धालु पहुंचते हैं, क्या पूजा और क्या महिमा है माता? दतिया की विजय काली बड़ी माता का मंदिर है और आज अष्टमी का दिन है। दर्शनार्थी मतलब दर्शन करने के लिए आते हैं, सुबह 3 बजे से माता पूजने के लिए आते हैं, अपने घर से पकवान वगैरह बनाते हैं। चलिए रुक कर लेते हैं कोटा का, हमारे साथी प्रेम सोमवंशी बने हुए हैं। प्रेम, किस तरीके का आस्था का सैलाब आज देखने को मिल रहा है? माँ गौरी की आज पूजा की जा रही है, आज के दिन कन्याएं भी की जाती हैं, क्या वहां पर भी कुछ ऐसा हो रहा है? जी जी, आज माँ गौरी की पूजा की जा रही है और जी को माया का दर्शन करने के लिए आज माँ गौरी की पूजा करने के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। वही सप्तमी के रोज यहाँ महामाया का दर्शन करने के लिए बिलासपुर से देर रात तक यात्री लाखों के हजारों की संख्या में पहुंचते हैं, जिनकी व्यवस्था के लिए मंदिर ट्रस्ट हुआ स्थानीय प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की जाती हैं। वहीं भक्तों के लिए दरबार खुले हुए हैं, भक्त दर्शन करने आगे आ रहे हैं। आइए इसी में आप मंदिर के मुख्य पुजारी जी से हम बात करते हैं कि क्या क्या व्यवस्था है और क्या आज पूजा रहेगी और क्या चीजें हैं। आज अष्टमी समान बना प्रातःकाल 5 बजे में पूजा नाशन किया गया है। जो अष्टमी हवन 12 बजे तैयारी शुरू किया जाए, 2 बजे से पूजा प्रारंभ है, 2 बजे के बाद 2 बजे से हवन तैयारी शुरू होगा। सप्तमी से 5 बजे के बीच में दर्शनार्थियों को बधाई देना हुआ है और अभी तक के लिए आज उसी जगह बंदी एक दिन तक के बंद नहीं किया गया है। हम लोग अपने भी पूजा अर्चन किया गया है, आज भी में दर्शनार्थियों को कराते हुए अपना करते रहे और दर्शन भी कराते रहे। ऐतिहासिक भीड़ था इस साल का, आज तक के कभी भी नहीं हुआ है। उसके बाद भी द्वारा जो व्यवस्था किया गया। रुक कर लेते हैं मंदसौर का, हमारे साथी कमलेश मोदी बने हुए हैं। कमलेश, नवरात्रि के 8वें दिन किस तरीके की पूजा की जा रही है वहां पर? आप वहां के लोगों से कुछ बातचीत करके बताइए, क्या कुछ आज वो दुआ मांगने वहां पहुंचे हैं?
कि जो नौवीं दिन है, नौवीं दिन अलग अलग स्वरूप माता जी के जो है दर्शन होते हैं। आज गौरी अष्टमी है, आज माता गौरी की पूजा की जाती है। मैं से खड़ा हूँ मंदसौर के एक सीतापुर के मोड़ी माता जी मंदिर में। आप मेरे सामने जो प्रतिमा देख रहे हैं मोड़ी माता जी मंदिर की प्रतिमा, वो प्रतिमा है। इस प्रतिमा के जो अलौकिक जो दर्शन है वो यहाँ पर माता जो है भक्तों को अपने तीन रूप में देती है। सुबह बाल्य रूप में, दिन में है जो युवा है, और शाम के समय जो है वो यहाँ पर वृद्धावस्था के रूप में यहाँ पर माता अपने भक्तों को दर्शन देती है। निश्चित तौर पर नवरात्रि के जो नौ दिन रहे हैं वो नौ दिन काफी उत्साहमय रहे हैं, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर अपनी जो मन्नतें हैं वो माता जी से मांगी है। और बात की जाए मंदसौर के इस मंदिर की, तो इस मंदिर की विशेषता ये बताऊंगा कि जब मंदसौर का जब मंदसौर जिले के जो सीतामो है, सीतामो नगर का जब अस्तित्व में ये नगर जब आया था, तब ये माता की जो प्रतिमा है वो स्वयं भू प्रकट हुई थी। हम यहाँ पर कुछ भक्तों से ही बात करेंगे कि सर आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं और कब से आप माता जी के प्रति क्या आस्था रखते हैं? माता जी के मंदिर में हम बचपन से आ रहे हैं, हमारा पैदाइश सीतामो हुआ है, और माता के मंदिर में हम आते हैं, हमारी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो माता जी के मंदिर में यहाँ पर भक्त लोग पहुँचते हैं, माता जी के मंदिर में यहाँ पर भक्तों की जो है भीड़ लगी रहती है। माँ अपने भक्तों की जो है मन्नतें भी पूरी करती है। निश्चित तौर पर नवरात्रि के नौ दिन जो है, विशेष सात दिन जो है वो काफी सुखमय भी रहे हैं, और माता ने जो है अपनी भक्तों की जो मन्नतें वो भी पूरी करी है। बात की जाए मंदिर में महोत्सव की, तो कल यहाँ पर नवमी के दिन सभी मंदसौर के नालछा माता मंदिर, सीतामो के मोड़ी माता जी मंदिर, शामगढ़ के महिषासुरनी मंदिर, और गरोड़ के दुर्गाखेड़ी माता जी मंदिर में नवमी को यहाँ पर हवन पूजन किया जाएगा। उसके बाद में कहीं जगह चल समारोह वाड़ी का आयोजन किया जाएगा, कहीं पर सिंह का आयोजन। जी आप सभी का बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत दर्शन कराने के लिए। आपको बता दें कि देश भर से और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से कुछ मंदिरों में हमने सीधे दर्शन किए हैं।